तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। अभी तक हम लोग कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की वो सभी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी रहती हैं। और अब हमें कक्षा 11वीं और 12वीं की बाकी बुक्स भी कवर करनी है। और याद रखिए, कक्षा 11वीं की जो आपकी राजनीतिक सिद्धांत है, जिसे आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से थोड़ी बात कर चुके थे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हमें देखना है, किस तरह से पढ़ना है। तो याद रखिए, अभी तक जो भी क्लासें आपकी ली गई हैं एनसीईआरटी से संबंधित, वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई गई है उसी में डली हुई है। एक बात और आपको याद रखनी है, देखिए आजकल क्या देख रहा हूं कि कई बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दे रहे हैं, एनसीईआरटी के भी वो शॉर्ट नोट्स ढूंढते फिरते रहे। तो एक बात तो आप लोग ध्यान रख लीजिए कम से कम, कि आप लोग एक से दो बार तो कम से कम विस्तार से किसी बुक्स को पढ़िए, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब पहले ही से ही आप लोग क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स का एक तरह से रास्ता ढूंढने लगते हैं, फिर मतलब क्या रह गया एनसीईआरटी का? कम से कम एक बार तो पूरे पूरी तरह से एनसीईआरटी को देख लीजिए कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है। दूसरे के नोट्स से आप मतलब एक तरह से मत पढ़िएगा। वही कहा जाता है कि दूसरे के जो रास्ते बनाए होते हैं उस पर आप चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो आपको खुद अपने रास्ते बनाने होंगे। और कहने का ये भी मतलब है, आप सोचिए कि हमें जैसे आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, जैसे गांधी जी के बारे में हमें फैक्ट अपने लिखना है किसी शॉर्ट नोट्स में, तो मैं क्या करूंगा? जो मुझे मालूम है गांधी जी के बारे में वो मैं पॉइंट शामिल ही नहीं करूंगा उसमें, और जो मुझे नहीं मालूम है उन्हें मैं शामिल करूंगा ना, तो मेरे नोट्स आपके लिए किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो आप खुद अपने, जैसे ही आप लोग एक से दो बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे कि कौन से फैक्ट आपको नोट्स बनाने हैं, कौन से शामिल करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहला अध्याय हम लोग देख लेते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय। और एक बहुत ही सीधे सादे शब्दों में हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा कोई लेंथी शब्द नहीं होगा इसमें, और वैसे भी एनसीईआरटी बुक्स में आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है। आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ मिलेगी, तो इन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ हम लोग बड़े धैर्य के साथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ समझ में आता जाएगा, बस लास्ट तक आपको धैर्य से सुनना है। लीजिए एक और किताब याद कीजिए, लेकिन हम उन्हीं चीजों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी है। थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए यह कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पेस्ट 8 पर एक बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ो। मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया है। यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? ये चित्र आपको देखिए, आप लोग जब कोई नोट्स बनाता है एनसीईआरटी या नोट्स बनाकर पढ़ाता है तो इन चित्तों को थोड़ी शामिल करता है उसमें, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं, कम से कम एक बार तो विस्तार से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग पढ़ते रहना। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, उसके पास विवेक है यानी कि दिमाग है, सोचने की शक्ति है, और अपनी जो भी गतिविधियां हैं गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों का साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपनी नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक
के रूम में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आपके आंसर ढूंढने की हम लोग आगे कोशिश करेंगे। वैसे भी आप सभी जानते होंगे, मनुष्य एक तरह से आप करिए इंसान वो प्राणी है जो अपने आप से, देखिए आप लोग एक तरह जानवर को देख लीजिए, वो भी सोचने की क्षमता रखता है लेकिन वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है। समझ रहे? आप समझिए कि आपके पास तो ऑप्शन है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आप सोचिए बुखार आया हुआ है तो आप डॉक्टर के सामने जाकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक पशु को सोचिए आप लोग कि जब उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कभी व्यक्त नहीं कर सकता अपनी भावनाओं को। लेकिन फिर भी इस समय आप देखेंगे तो हम पशु से बदतर स्थिति में पहुंच चुके हैं। वो तो कम से कम एक तरह से अपनी जो भी धर्म है उसका वो निभाता है, लेकिन हम उस धर्म को कभी नहीं निभा रहे हैं जो हमारी इंसानियत धर्म है। ये आप अपने समाज में देख सकते हैं, इसमें कोई दोहराया है नहीं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्रणाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह है इनके और अन्य संबद्ध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाएं सरकार और नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। अब आप ही सोचिए, इस पैराग्राफ में आपको कोई ऐसा शब्द मिला है जो आपको समझ में ना आ रहा हो? स्वतंत्रता को देख लीजिए, समानता, न्याय, ये आप मौलिक अधिकारों में पढ़ते भी तो है, समझ रहे? और एक बात और याद रखिए, मुझे तो लगता है कि लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी वही बच्चों को पढ़ना चाहिए जो एक तरह से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या जिस बुक से जो कक्षा 11वीं के लिए है, तो उस बच्चे को मैं तो कहता हूँ पूरे देश को अगर भारत में रह रहा है तो उसे एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। अब कम से कम आपको राजनीति के बारे में मालूम तो होना चाहिए, आपको अपने अधिकारियों के बारे में मालूम तो होना चाहिए, आपको अपने कर्तव्यों के बारे में मालूम तो होना चाहिए। आप ही सोचिए, आपको अगर मालूम नहीं है तो एक तरह से आप क्या है? आपको मालूम ही नहीं कि आपका जो प्रधान है या आप सोचिए सरपंच है या विधायक है उसके क्या काम है, उसका क्या कर्तव्य है? इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राजनीति क्या है। आखिर ये शब्द आप लोग सुनते रहते हैं, ये राजनीति करने लगा है। मुझे तो लगता है इस समय आप लोग देखिए कि वोट देने वालों से ज्यादा नेता बन चुके हैं। जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा है वो नेता बन जाता है, समझ रहे हैं? आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दाव पेंच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते हैं, झूठ वादे या बड़े चढ़े दावे करते हैं, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते हैं अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तब हम कह सकते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थ परकता
ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। और याद रखिए, इन बॉक्स में आपकी बातें थोड़ी ज्यादा होगी। और जिन्हें लगता है जो परीक्षा की एक तरह से वो लोग हैं जो सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल मत पढ़िए बुक्स को, या यहां भी आप मत जुड़िएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि ये यहां जो भी बातें हो रही हैं ये आपके इस टॉपिक से बाहर नहीं जा रही हैं, आपको एक तरह से जोड़ने के लिए ही बताई जा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि राजनीति पहले राजनेता क्या किया करते थे, एक तरह से जनता की देखभाल के लिए राजनेता बनते थे। आप देख लीजिए फिर, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, गांधी जी, नेहरू जी, किसी भी उस समय के बाल गंगाधर तिलक, सभी लोगों को देख लीजिए आप लोग। देखिए, मतभेद हो सकते थे उस समय के नेताओं में, लेकिन जनता को उसमें कभी नहीं घसीटा जाता था। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि मंत्रिमंडल बनता है जब नेहरू का आजादी के बाद, तो उसमें आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को लिया जाता है, आप देखेंगे कि आपके भीमराव अंबेडकर साहब को लिया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब और वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के एक तरह से मतभेद थे कई मामलों को लेकर, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसलिए क्योंकि नेहरू जी जानते थे कि भीमराव से पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति, ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है कानूनों के मामले में, और उन्होंने ऐसा एक संविधान बनाकर तैयार किया कि जो आज भी अपनी एक तरह से राष्ट्रवाद को जन्म दे, मतलब जोड़ के रख रहा है। आप सोचिए कि हमारी भाषाएं अलग हैं, धर्म अलग है, जाति अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग भारत में क्यों हैं? क्योंकि संविधान को हम लोग सभी मानते हैं। आपकी हो सकती है कि राजनेता में, किसी में, प्रधानमंत्री में आपका भरोसा नहीं हो, लेकिन आपका संविधान में तो भरोसा है, और यही संविधान एक तरह से आपको जोड़ के रखता है। समझ रहे? तो उन्हीं की देन है। आज के नेताओं को आप देखिए, आप जिसे चुनते हैं उस, आपकी सेवा की छोड़िए, आप लोग लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा भी तो है इस महामारी में कि कौन राजनेता आपकी जनसेवा के लिए बाहर निकला है। मैं इतना कहता हूं कि भगवान श्री राम होते तो वो कभी घर में बैठकर रामायण नहीं देख रहे होते, वो रोड पर जाके आप लोगों की सेवा कर रहे होते। आपने देखा है कि जब 1947 में आप आजाद हो रहे थे तो बड़े दंगे हो रहे थे पाकिस्तान को लेकर, तो आपने देखा होगा कि गांधी जी रोड पर निकल चुके थे। और आज के नेताओं को देखिए आप लोग, तो मैं इसीलिए तो मैंने आपकी बायोग्राफी सभी लोगों की कवर की हुई है, आजादी से पहले वाले नेताओं की और आजादी के बाद वाले नेताओं की, क्योंकि आज की राजनीति उस समय की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है, आप समझ सकते हैं। और बाकी देशों में देख लीजिए कहीं हमारी राजनीति किस तरह से नीचे गिरती जा रही है। एक और आपको बात अच्छी बता दूं, जो भी कह लीजिए आप लोग कि हमारी भारत माता की शक्ति कह लीजिए, आप देखिए प्राचीन काल से ही आप लोग देख लीजिए, कई हमारे ऊपर आक्रमण हुए, मुस्लिमों के देख लीजिए, फिर चाहे अंग्रेजों के देख लीजिए, पुर्तगालियों के देख लीजिए, फ्रांसीसियों के देख लीजिए, कई लोगों के आक्रमण थे आज तक, लेकिन हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमारी संस्कृति को कोई एक तरह से नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन देखिए 1947 के बाद से देख लीजिए हमारी संस्कृति की किस तरह से धज्जियां उड़ाई। हमारी संस्कृति तो वो थी कि जहां एक परिवार में अगर कुछ हो रहा है, एक गांव में कुछ हो रहा है, तो पूरा गांव समट के उसका साथ देता था। और इस समय आप देखिए कि अगर आपके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं तो पड़ोसी उसमें नाराज है, या आपके यहाँ दुख है तो देखिए पड़ोसी खुशियां मना रहा है। ये थोड़ी हमारी संस्कृति थी, सबको साथ लेकर चलने की हमारी संस्कृति थी। और नेताओं को आप चुन देते हैं, वो किसी और पार्टी से मिल जाते हैं, आपके वोट की क्या कीमत रहेगी? तो यही सब, इसीलिए आप देख रहे होंगे कई लोगों के मुंह से सुनते रहते हैं कि राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, और पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं इससे राजनीति से दूर ही रहना पसंद करते हैं। और इसी का, पढ़े लिखे लोगों का ना शामिल होना और देश की बर्बादी का कारण बन रहा है। दिल्ली को आप ले सकते हैं, दिल्ली में आपने देखा है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा लोग, व्यक्ति आए हुए मंत्रिमंडल में, सब पढ़े लिखे शामिल है,
तो वहां आपने देखा है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत आप देखेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों से कई गुना अच्छी है। और बाकी राज्यों में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, एमपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, आपको जमीन पास आसमान का फर्क दिख जाएगा। तो ये होता है पढ़े लिखे नेताओं का। और याद रखिए, अगर आपको शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार देता है तो आप भी मजबूत होंगे, अपने देश को भी मजबूत करेंगे। कभी धर्म जात पात मंदिर मस्जिदों मुस्लिम हिंदू लड़ाकर कभी देश शक्तिशाली नहीं बन सकता है, पावरफुल नहीं बन सकता है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं, वैसे ही वे अपने को इस खेल की जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। अब आप देखिए, अभी लोग अभी तक कोई भी नेता इस आजादी के, आप देखिए इंदिरा गांधी के समय से, अभी तक आप लोग ऐसा नेता चुनिए जो ईमानदार निकला। हाँ, एक दो आप अपवाद के रूप में छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक देखिए इतने, मतलब आप सोचिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात करते रहते हैं, अपने बेटों को आगे बढ़ाने की बात करते रहते हैं। ये क्या करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे या अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? कल तक जो एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, वो भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति के परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए? इस चित्र को देख लीजिए आप लोग। आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाबड़ी से काम चला सकता है। यह है आपके नेता जिसे आप लोग राजनेता कहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति के संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाएं जैसे जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं, और ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। और इन संस्थाओं के साथ सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, वह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बात है। एक बात और आपको बताऊं, जब हम आजाद हुए तो कहा गया कि एक ही पार्टी रहनी चाहिए, कांग्रेस ही पार्टी को राज करना चाहिए। तो उस समय आप देखिए कि गांधी जी और नेहरू ने कहा कि बहुदलीय राजनीतिक दल होना चाहिए, कम से कम जनता के पास उपलब्ध विकल्प तो उपलब्ध होना चाहिए कि उसे कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही, किसी और को चुने। समझ रहे हैं आप लोग, ये हालत थी। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों की तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकार जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं, इससे हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और हम अत्यंत जरूरी चीजें भी नहीं खरीद सकते हैं। बीमार लोग अस्पताल नहीं जा पाते हैं और स्कूल की समय सारिणी में भी प्रभावित हो जाती है। पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि अगर नेता चाहते, आपकी आपकी राजनीति चाहती, तो
तो मैं वो कह सकता हूं कि लास्ट में जो बैठा हो, झोपड़ी में बैठा हुआ होगा, उस बच्चे को भी शिक्षा भी मिलती और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था भी मिलती और वो भी मजबूत होता। वो भी हो सकता था कि आप सोचिए कि डॉक्टर कलाम साहब बन सकता था, समझ रहे हैं? वो भी बच्चा आगे बढ़ सकता था, वो भी अपने परिवार को सशक्त यानी कि मजबूत बना सकता था। और एक परिवार सशक्त बनेगा, आप सोचिए वो गांव सशक्त बनेगा, फिर वो राज्य और वो भारत यानी कि पूरा भारत सशक्त हो जाएगा। एक कहावत है बड़ी अच्छी कि भूटे भूखे पेट भजन नहीं हो। आप देशभक्ति तब तक नहीं दिखा सकते जब तक आपके पास रोजगार ना हो, आप एक तरह से आपका परिवार शक्तिशाली ना हो, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी ना हो। अभी कहीं जाइए आप लोग, चाइना में जाइए चाइनीज लोग देखने को मिलेंगे, जापान में जापानीज, रूस में रशियन। आप समझिए कि जापान का भी कभी कुछ ही देर पहले मैंने किसी राष्ट्र आर्टिकल पढ़ा था, वहां के राष्ट्र प्रमुख ने कहा था कि मेरे, देखिए आप जानते हैं 1945 में 2 बार परमाणु बम गिराए गए, उसके बाद भी वो विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है। तो उसका सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि वहां के लोग मेहनती हैं, और दूसरी बात वहां जात पात इस तरह की भेदभाव है ही नहीं। आप खुद जानते हैं कि इस तरह की राजनीति होगी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें क्या चाहिए? और मैं तो कहता हूं कि सब हिंदू मुस्लिम जो भी है, सभी लोगों को इतना जान लेना चाहिए कि देश को आगे किस तरह से बढ़ाना है, इस पर सोचिए। इस पर मत सोचिए कि हम मंदिर कहां बनाएंगे, मस्जिद कहां बनाएंगे, इससे कुछ नहीं उखड़ने वाला है। 70 साल से विवाद चलता आ रहा है, 70 साल और निकल जाएंगे, 200 साल निकल जाएंगे, इतिहास जब भी लिखा जाएगा इस टाइम का। तो आज तो आप गांधी और नेहरू को गाली देते हो, आपके ऊपर मैं इतना कह सकता हूं कि धिक्कारे जाओगे, वो जितना बुरे से बुरे शब्द यूज कर सकते हैं, उपयोग होंगे, वो किए जाएंगे। समझ में आए? बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। आप सोचिए सरकारी हॉस्पिटलों में कोई जाना पसंद नहीं करता है, मर जाना पसंद करता है घर में। गांव की एक सरपंच, एक सोचिए गांव की क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या बनाया गया, सरपंच बनाया गया। लेकिन वो सरपंच क्या है, वो अपना विकास करता है, वो सामने वाले मतलब जनता का विकास करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। और आप हजार ऊपर से एक तरह से नियम कानून योजनाएं लाइए, जब धरती तक नहीं पहुंच पा रही तो उसका काम क्या रह गया, उसका मतलब क्या है? ये हाल है। चूंकि सरकार की कार्रवाई वाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है और हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांग जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तब हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं। भ्रष्टाचार बड़ा या घटा, हम पूछते हैं क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्यायसंगत है या नहीं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं, इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। मुझे तो लगता है कि इससे किसी भी टॉपिक में आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा, अगर आप बड़े धैर्य से पढ़ते हैं तो समझ में ना आए, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, बस आपको बड़े अच्छे से ध्यान से बैठना है और पढ़ना है, ठीक है। आप देखते होंगे कि अभी किसान बिल आए हुए थे आपके, उसके बाद अध्यादेश आए हुए थे, उसके बाद आपने देखा है राज्यसभा लोकसभा में पास किए गए, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ पंजाब हरियाणा में, इस तरह के आप सोचिए एनजीओ भी बनाए जाते हैं, संगठन भी बनाए जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि जो एक तरह से आपके हिसाब से सही नहीं है कानून। तो सरकार का भी कर्तव्य रहता है कि उनसे बात की जाए, उनकी जो भी समस्या है उन्हें समाधान किया जाए। उस तरह से निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं है, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है, तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने का संघर्ष का प्रभाव होता है। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है
जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है, यानी कि जुड़ी हुई है। आपसे ही पूछता हूं मैं कि आखिर राजनीति किस लिए बनाई गई है? राजनेता आप नेता किस लिए चुनते हैं? नेताओं को आपसे ज्यादा फायदा मिलता है। रिटायर्ड होने के बाद आप सोचिए कि उन्हें अधिक एक तरह से वो मिल क्या कहते हैं भत्ता भी मिलता रहता है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ सुविधा मिल रही। एक अधिकारी से आप सिविल सर्विस अधिकारी बनेंगे, सिविल सर्वेंट, तो आप सोचिए उससे ज्यादा आप उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। कैंटीन की व्यवस्था देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, किस लिए दी जा रही है? जनता की एक तरह से भलाई के लिए, कि तुम जनता का काम करिए। लेकिन मैंने इतनी गिरी राजनीति अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है जितनी लॉकडाउन के टाइम मैंने देखा है। कई मंत्री हमारे देखेंगे आप लोग की रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे। आपको सोचिए अगर भगवान सच में होते हैं तो क्या इन लोगों को माफ करेंगे? कि जनता एक एक तरफ त्राही त्राही हो रही थी, इस त्रासदी को झेल रही थी, कई लोग आते आते मर रहे थे, कई लोग किस तरह से मर रहे थे। आपने देखा एक महिला रोड पर बच्चे को जन्म देती है और फिर उठ के चलने लगती है, और आप सभी जानते होंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, उस माँ का कितना दर्द पीड़ा होती होगी, और फिर उठ के चलने लगना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कोई नेता किसी की मदद के लिए नहीं जाता। एक बेटी आप देखते होंगे कि दिल्ली के पास से चलती है, वो बिहार पहुंच जाती है, हजारों हजार किलोमीटर की दूरी और 1000+ किलोमीटर की दूरी तय करके। आप देखते हैं बीच में कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। वहां पहुंचती है तो कई नेता फोटो खिंचवाने के लिए मंत्री पहुंच जाते हैं। क्या इसीलिए हम लोग नेता चुनते हैं? क्या इसीलिए हम लोग विधायक एमपी एमएलए ये चुनते हैं? बिल्कुल नहीं। नेता को तो कर्तव्य वो होता है कि आप कहिए कि अपनी जान दे सकता है जनता के लिए, वो नेता होता है, वो उसका कर्तव्य वही है। खैर छोड़िए, हम जो चुनते हैं वही तो मिल रहा है। हम अगर डकैतों को चुनेंगे, बलात्कारियों को चुनेंगे, हत्यारों को चुनेंगे, तो उनसे उम्मीद क्या रख सकते हैं? यही राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? यदि हम अपनी अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हम यह भी देखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों में किया गया है। भारतीय संविधान, अमेरिकी संविधान, देखिए अमेरिकी संविधान बहुत पुराना संविधान है, लेकिन सबसे बड़े संविधान की बात करें करंट में तो भारतीय संविधान है। हालांकि इन संविधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है, इनका निर्माण उन विचारों सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तू से लेकर जान जॉक और रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लूटो और अरस्तू ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन से तंत्र बेहतर हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविकता स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, उन्हें विशेष संरक्षण यानी कि आरक्षण की व्यवस्था मिलनी चाहिए। इन विचारों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता को प्रतिष्ठित किया है। भारतीय संविधान के अधिकार वाली अध्याय में हम किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी जी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान देखेंगे, ये एक रात में तैयार बन के तैयार नहीं हो गया है। इसमें आप देखिए, मुझे तो लगता है कि आप स्वामी स्वामी महावीर स्वामी, उसके बाद आप देखिए चाहे आपके बुद्ध भगवान हो, अशोक के समय से ले लीजिए आप लोग, आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा ना, तो तब से आप लोग संविधान को जोड़ने की कोशिश कीजिए, तब से एक तरह से आप कहिए कि प्रोसेस चलना शुरू हो गया। लेकिन लास्ट में आप कह सकते हैं कि इसे एक
संविधान बन के पूरा तैयार होता है आपका अंबेडकर साहब के समय में। आप देखेंगे कोई अशोक के समय आप लोग देख लीजिए, अशोक की बायोग्राफी आपकी कवर की हुई है, स्वामी स्वामी महावीर की भी, बौद्ध धर्म सबको देखा है हम लोगों ने, तो वहां आप लोग जरूर देख लीजिए एक बार। प्लेलिस्ट की सूची में जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है सिविल सर्विस एट्रेट पीसीएस के लिए इतना मटेरियल दे चुका हूँ कि, और छोटे बाकी एग्जामों की छोड़ी है, वनडे एग्जामों की, सबके लिए काफी और सब निःशुल्क है। और मैं कहता हूँ जब तक जान है तब तक कहीं आपको कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है, और यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित भी करते हैं। देखिए, लोकतंत्र के बारे में तो आप जानते होंगे कि पिछली क्लासों में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो आप लोग पिछली क्लासों को इस क्लास को जोड़कर ही देखना एक तरह से, समझ रहे हैं आप लोग, तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। और बाकी स्वतंत्रता है, समानता है, सामाजिक न्याय, अधिकारिता है, इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार से, एक एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल प्रयोग में आया है? आप ही सोचिए कि जब कोई शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ाता है तो वो आपको इन क्वेश्चंस को नहीं दिखाता होगा, और मेरा सिर्फ उतना उद्देश्य है कि पूरा आपको मालूम तो होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी स्थिति क्या है, मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना चाहिए यह तय करने का मेरा अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल, छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। देखिए आप लोग देखिए आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में आपको इसकी व्यवस्था देखने को मिलेगी। इस पर आपने देखा है कई अधिनियम भी आए हुए हैं, ठीक है, एमपीपीएससी में ये अधिनियम आपके बहुत जरूरी ही रहते थे। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशाला या विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, ये आपने देखा है, ये भी आपके अधिकारों में शामिल किया गया। भारत की यात्रा पर आए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? आप देखिए कि कई बार क्या करते हैं, मीडिया भी अपने कर्तव्यों को भूल जाती है, और आजकल आप इस शब्दों को देख भी रहे होंगे, फिल्मों में भी आप देखते होंगे। अगर हमारी संस्कृति को, मैं तो कहता हूं कि किसी ने अगर नुकसान पहुंचा है तो कुछ फिल्म घरानों ने, फिल्मों ने, समझ रहे हैं आप लोग, ये अश्लीलता कहां से आई हुई है, मूवियों से, ये फिल्मों से। विद्यालयों के वार्षिक उत्सवों की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए, बिल्कुल। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए, लेना। लेकिन क्या यह सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या हम अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच में स्वायत्त और स्वतंत्र है, हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हो, जबकि कई लोग भविष्य में अपना अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी बस स्कूली पढ़ाई में भी आ सक्षम हो,
और उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। एक बात और, कई लोग बोलते हैं कि हमें 1947 में आजादी मिल गई है। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। 1947 में हमें आजादी नहीं मिली, एक तरह से आजादी की प्रोसेस चालू हो चुकी है। आज देखिए, अंग्रेज तो चले गए, क्या समानता हटी है, क्या छुआछूत हटा है, क्या सभी को अधिकार दिए जा रहे हैं। ये जो प्रोसेस थी ये 1947 से चलनी शुरू हुई, हमें सुधार करने की जरूरत थी। एक तरह से आप कहिए कि आपके पिताजी ने आपको अधिकार दे दिया घर संभालने का, तो अधिकार दे दिया आपको, लेकिन क्या पूरा अधिकार, पूरा घर आपने संभाल लिया उस समय? नहीं, कुछ साल आपको लगेंगे उसे सही करने में, और जब पूरा घर एक तरह से संभल जाएगा, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए और बाकी लोग भी संतुष्ट हों आपसे, उस समय आप कह सकते हैं कि हाँ, आपको जो मिशन मिला हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी भी आप कई शहरों में देखते हैं कि आप सोचिए, जो ST/ST होते हैं या जनजाति होते हैं, उन्हें घोड़ों घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। कई जगह आपको छुआछूत देखने को मिलेगा। क्या आप समझ सकते हैं कि राजनीति में भाग ले सकते हैं आप लोग? इसमें कोई दो राय नहीं। क्या बिना पैसे के आप चुनाव जीत सकते हैं? ये संभव है? क्या शिक्षा आपको बराबर मिल रही है? शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, लेकिन क्या आप पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं उससे? ये क्वेश्चन मार्क होते हैं, ये क्वेश्चन लगने लगते हैं। तो आप समझिए कि 1947 तक हमने जाके मतलब अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन हम तब भी स्वतंत्र नहीं हुए, तब भी हमें एक तरह से छुआछूत से मुक्ति नहीं मिली, भेदभाव से मुक्ति नहीं मिली। हमें मिलनी चाहिए थी आगे, हमें गरीबी से भी आगे उबरना चाहिए था, और नेताओं का यही काम था उस समय के कि आगे तुम देखते रहिए और इनको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। लेकिन नेताओं ने अपना विकास तो दबा के किया, लेकिन जनता को एक तरफ रखते हुए। तभी तो आज देखते हैं आप लोग कि आज भी गरीबी का नारा दिया जाता है, रोड बिजली का नारा दिया जाता है। आप सोचिए, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्या का सामना करना पड़ता है। या एक तरफ से खेल खेलने जैसा है, जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थिति के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक बानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को स्वतंत्र जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है और इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा कर होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए हैं और उनका विस्तार भी है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई संसाधन समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है। ये स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में आगे हम लोग बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। अभी लोग आप लोग अभी यही समझिए कि एक तरह से आप सोचिए कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब आप सोचिए कि आपके मौलिक अधिकारों में आपने देखा है स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है, और एक तरह से आप कहिए कि आपको रोजगार भी मिले और आपको बोलने की स्वतंत्रता हो, आपको कहीं जाने की, कोई भी आपको एक तरह से जीविका, या आप कहिए कि आपको काम धंधा करने की स्वतंत्रता हो। लेकिन स्वतंत्रता में भी आप देखेंगे एक बड़ी समस्या है। देखिए, बोलने की स्वतंत्रता है आपको, कहीं आपको बसने की स्वतंत्रता है, आपको कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आपको एक तरह से घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, समझ रहे हैं? लेकिन उस पर अफवाह, एक तरह से प्रतिबंध भी है। क्यों है? आप कहेंगे अब हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो आप किसी को जाकर गाली देने लगे, आपको कहें कि आपको घूमने की स्वतंत्रता है तो आप बिना रोके टोके कहीं भी जाके कोई भी संगठन बना के और देश की अखंडता एकता को भी नुकसान पहुंचाने लगे, तब आपकी स्वतंत्रता पर रोक लग जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है, वहीं तक जाती है जहां तक कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है। तीसरी, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है और आजादी और आजादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति
या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसमें आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क काम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में सूचना ऑनलाइन दें और उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूं तो इंटरनेट जन, अंग्रेजी में इंटरनेट तक का इस्तेमाल करने वालों को नेटीजन कहते हैं। इसे भी समझ लिया लीजिए आप लोग, नेटीजन सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी है। और परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की जितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी भी व्यक्तिगत ईमेल में झांक सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? राजनीतिक सिद्धांतों में इन प्रश्नों के संभावित उपाय के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। एक बात और आपको बताऊं, कई लोग कहते हैं कि डेटा का महत्व क्या होता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो डेटा को एक तरह से नकारते रहते हैं, कुछ नहीं है डेटा। एक बात आप लोगों से पूछता हूं, मान लीजिए आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, इस समय चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर कर रहे हैं या फेसबुक पर कर रहे हैं या किसी भी मैसेंजर पर कर रहे हैं, या कोई आपको डेटा इस तरह से सूचना भेजी गई है जो सिर्फ आपके पास रहनी चाहिए या सामने वाले के पास रहना चाहिए। सोचिए वो तीसरे के पास पहुंच जाए तो क्या होगा। यही है डेटा की कीमत। एक तरह से आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसकी जो विस्तार से जानकारी है वो किसी तीसरे पर्सन के पास पहुंच जाए, दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाए, तो क्या नुकसान होगा। यही है डेटा। कई बार आप देखते हैं कि इन्हीं कुछ आपकी प्राइवेसी है, उसका अगर उल्लंघन हो जाता है, दूसरे के पास पहुंच जाता है, तो कई बार लोग मर जाते हैं, जान से भी हाथ धोना पड़ता है। ये है मत, आप देखिए, इसीलिए कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। साइबर अपराध के बारे में आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, साइबर सुरक्षा की बात करते रहते हैं, तो आप समझिए कि एक तरह से डिजिटल इंडिया की बात की जा रही, तो एक तरफ आपके कम से कम सुरक्षा भी होनी चाहिए इंटरनेट पर, ठीक है। प्राचीन यूनान के एक एंथेंस शहर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एंथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लूटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा। प्लूटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। और ये तो आप भी देखते हैं, आज आप किसी नेता के विपक्ष में बोल के देखिए, उसे पूछिए तो वो भी आपको यही करवाने की कोशिश करेगा पूरा। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं है। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्यपुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत की सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में भी हम अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस, तर्क, वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। तो राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आजादी या समानता क्या है, इसकी विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंध से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं, चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित
सामान्य अनुभव से शुरू करें। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, लोग डॉक्टर की प्रतीक्षालय या फिर आप देखेंगे दुकानों में कतार लगाकर, कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वाले लोगों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगासा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिसके लिए भुगतान करते हैं उन सामान्य या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं। हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अगर अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है, यानी कि उनके लिए अलग से सुविधा अच्छी बात है। इसे सामान्य तौर पर आप लोग बैंकों में जरूर देखते होंगे। कभी आप लोग बैंक गए होंगे, उसमें आप देखे होंगे लाइन में लगे हैं और कोई आके आगे लाइन में लग जाता है, तब आप अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं। कई बार अधिकारी अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसे पीछे धकेल देते हैं, सबसे पीछे लाइन में, एक तरह से उसकी सजा हो जाती है, तब आपको बड़ी खुशी होती है। तो इसी की बात कर रहा हूँ, यही है आपका एक तरह से समानता। समझ रहे हैं कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यहाँ भी कुछ पॉइंट है, इसे भी देख लीजिए, आगे पढ़िए और देखिए कि सुकरात ने यह कैसे किया। सैप्लस, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहां तक न्याय की बात है, यह क्या सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं, और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते? जरा सोचिए, एक मित्र शांतिचित भाव से अपने हथियार में हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उनका उसका दिमाग शांत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देने चाहिए? आप बिल्कुल सही हैं, उसने कहा, लेकिन तब जब सत्य बोलना और ऋणों को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है, मैंने कहा, पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तब उसके साथ अच्छा करना और शत्रु बुरे हैं तब उसके साथ बुरा करना न्याय। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपये नहीं होते। इनसे कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं या ईंट पाटते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना हो। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी ना किसी प्रकार की निष्पक्षता बरतनी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ना हो। एक बात आप लोगों ने देखा होगा, यह हकीकत है कि इन कई बार चिकित्सा के लिए बेहतर मुझे लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, कई लोग इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास फीस नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता उसके लिए। ठीक है, और आप भी अभी भी जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे भी लोग देखने को मिल जाएंगे आपको कि दो वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। इससे मैं तो हमेशा बोलता हूं कि शिक्षा स्वास्थ्य या तो इतनी सस्ती कर देनी चाहिए कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके, हर कोई इसकी सुविधा ले सके, या बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। और किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना है तो यही मुझे लगता है दो तीन कारक हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं, उस परिवार को सशक्त बना सकते हैं, आपके साथ जोड़ सकते हैं। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है, और इसी तरह अधिसंख्यक लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा लिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें भाई बहनों की देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सके। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि इस समय आप लोग दिल्ली की छोड़िए, बाकी राज्यों की बात कर रहा हूँ, कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना बेहतर समझेंगे? आपकी मजबूरी हो सकती है, तब आप पढ़ा सकते हैं, तब भी आप सोचेंगे रहने दीजिए, सरकारी स्कूल से बेहतर है मेरा बच्चा घर में काम करे, कम से कम मदद तो करेगा। सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, हॉस्पिटलों की क्या हालत है, जग जाहिर है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है। यहाँ कुछ दिया गया, इसे भी पढ़ लीजिए। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई
जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी है तो उनमें घोड़े के गुण कम होता है। स्वानत्व कुत्ते के गुण नहीं, हाँ घोड़तत्व कम होता है। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तो उनके स्वान तत्व कम होता है, घोड़तत्व नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। और जब कोई मनुष्य घायल होता है तो उसके मनुष्य कम होता है निसंदेह, और वह मनुष्य तत्व न्याय है निश्चित रूप से। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, एक तरह से पैराग्राफ। इस प्रकार आप देखते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं तब हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तब चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाए। लेकिन जब हम बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हम स्कूल जाने या संसाधनों जैसे रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। और आप लोग ये भी मान के चलिए कि तब तक आरक्षण कभी नहीं हट सकता है कि जब तक इन लोगों को एक तरह से अपने आप पर ना लाया जाए। आप क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए मैं इसके पक्ष में हूं कि आर्थिक रूप से लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सामान्य यानी कि जनरल में भी आपको गरीब देखने को मिलेंगे और ST ST में भी आपको अमीर देखने को मिलेंगे कई घराने। तो इसका सरकार ने आपका एक तरह से सम्मान भी किया हो, 10% आरक्षण दिया भी है आपको। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि जो ST ST में आप समझिए कि जो एक तरह से ऊपर उठ चुके हैं तो उन्हें मुझे लगता है कि अपने आप से छोड़ देना चाहिए एक तरह से आरक्षण को, और उन्हें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, VIP स्कूल में पढ़ता है, और एक बच्चा झोपड़ी में पढ़ता है, क्या दोनों ये बराबरी कर सकते हैं? कभी कभी नहीं आप देखेंगे, ठीक है। उसे किस हिसाब से सुविधा मिल रही है, यहाँ आरक्षण की जरूरत महसूस होने लगती है। आप लोग उस समय आरक्षण हटाने की बात कर सकते हैं जब आपका बच्चा भी उसी स्थिति में हो बराबरी पर, और उसका सामने वाले का बच्चा भी उसी स्थिति में हो, तब ये न्याय संगत भी होगा। इसी को एक तरह से आप कहिए कि आरक्षण कोई स्थायी प्रावधान नहीं है, किसे नहीं हटाया जा सकता। जब सबको ही एक, मैं तो कहता हूं कि 1947 में ही जात पात खत्म कर देनी चाहिए थी, सब बराबर, समझ रहे हैं? उस समय आप कह सकते थे कि ये गलत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की बजाय यह है कि समानता का प्रसंग पर निर्भर करता है, यानी कि अलग अलग प्रसंग में अलग अलग आप लोग समझ सकते हैं इसको, समानता को। हमने इसके इसके अर्थ उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है, पर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया है। हमने अर्थ अर्थ की कई परतें खोली हैं। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते हैं, ये इसको भी बीच बीच में देखते चलिएगा। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ परिणाम तो सही है, तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक घोड़ा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को न्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं, और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। बीच बीच में ये पढ़ने को मिल रहा है आप लोगों को। या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग बाद में इस पूरी कहानी को पढ़ लें ऊपर वाली, ठीक है, जो दी गई, जैसी भी आपको इच्छा अच्छी अच्छा लगे। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांत कार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा हुआ और वर्ता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु दोपहर का भोजन किया जाना चाहिए, और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा 1995 के करीब की बात है, एक तरह से खाद्यान्न ये भोजन की व्यवस्था की गई थी,
क्या बोलते हैं उसे, मध्यान्ह भोजन, मिड डे मील। अब देखते होंगे कि इसकी सुविधा इसीलिए की गई थी एक तरह से कि बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाया जाए स्कूलों में, समझ रहे हैं आप लोग। जैसा कि समानता के मामले में है, वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आजादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्म निरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। इनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आप सभी जान रहे हैं कि पूरा एक एक टॉपिक दिया गया है आपको, तो मुझे लगता है इसीलिए आपका बहुत जरूरी भी है इस बुक को पढ़ने में। तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, तब न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं वरन उसके उसे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है, और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वही उसे पैदा करने में सर्वाधिक सक्षम होता है, सच बात है। और जो शत्रु से जीत सकता है वह किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है, निश्चित ही। तब जो किसी चीज का अच्छा रखवाला होता है वह अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। अगर अन्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में तो यही नियत है। आप समझिए कि मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है सीधा सा इस पूरी कहानी का। सुकरात को आप लोग क्यों जानते हैं आज? इसलिए क्योंकि उन्होंने उस समय की कहानी को जिस तरह से अच्छा कहा है। या अरस्तु को किस लिए आप जानते हैं? इतिहास में देखिए उसी व्यक्ति को हमेशा याद रखा जाएगा जो समाज के लिए खड़ा रहा हो, न्याय या एक तरह से अन्याय के खिलाफ हो, सत्य पर चला हो, समझ गए। गुलामी करने वालों, तलवे चाटने वालों को कभी इतिहास ना तो माफ करता है ना ही याद रखता है। हो सकता है कि आप किसी की गुलामी करके 70 साल जी जाए, 200 साल जी जाए, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा, मरोगे तो एक दिन। पता नहीं, आज हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बता रहा हूं, अगले पल क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। अपने आप में संतुष्टि तो होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो ये हाल है। चलते हैं हम आगे। हम राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए हमें? हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं क्या, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी जरूरत है? क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए, या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए, या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त तो नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या फिर उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आजादी या समानता का जानने से क्या मिलेगा? आप लोगों के लिए बता सकता हूं मैं क्या मिलेगा। आप लोग देखिए, कोई कॉन्स्टेबल नहीं बन रहे कि वहां आपको लठ बांधने को कहा जाएगा कि चला दीजिए जनता है, लठ दीजिए, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तब डंडे भांजिए। आप लोगों को उस स्थिति में भेजा जा रहा है जहां आपको अपने दिमाग से काम करना होगा, अपनी सोच से काम करना होगा, कहां किस तरह से निर्णय लेना है, कहां क्या परिस्थिति बनी हुई है। वो इसलिए एक तरह से आपको समाज से परिचित करवाया जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे समूहों के लिए प्रासंगिक है और छात्र के रूप में हम भविष्य में उपयुक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसलिए परोक्ष रूप से हमें या अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते हैं? जबकि हम में से सभी गणित या इंजीनियर नहीं बनेंगे। क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंक गणित जीवन में सामान्यता उपयोगी होते हैं? और आप समझिए कि इसीलिए एक तरह से मैं तो कहता हूं कि अगर बचपन से ही बच्चे को अगर किताबें अच्छी से पढ़ाई गई तो वो बेहतर इंसान रहेगा, वो बेहतर जिस भी फील्ड में जाएगा बेहतर काम करेगा। लेकिन उस पुस्तकों जो भी पुस्तकें हैं उन पर उसे चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्यनिर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे के लिए मददगार होती है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। और सूचना फर्क समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम
मनमाने तरीके से अपनी वरीयता प्रकट करें तो हम ज्यादा प्रभावी भी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए एक नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। एक तरह से आप उन्हें देखते होंगे बेवकूफों को, आप कह सकते हैं एक तरह से ना समझो को, जो जिन्हें कुछ आता भी नहीं है और वो अपनी बात को मानवाते निकली हर हद पर चले जाते हैं, समझ रहे हैं। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो तरक भी देंगे बेहतर हर क्षेत्र में, ठीक है। तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु हैं। हाँ, पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हम कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हैं तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी है तो उनके घुटकत कम होता है, स्वायत्त नहीं, हाँ घुटकत कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। नागरिकों के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते हैं, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं और प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता लगता है? इसी तरह निश्चित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। एक तरह से कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप सोचिए कि आप कहीं का कलेक्टर बना दिया जाए तो आप वहां तब बेहतर काम कर पाएंगे जब उस क्षेत्र के बारे में आपको सामान्य जानकारी हो, या आपको कुछ जानकारी ना हो और आप क्षेत्र में काम करते रहे। तो यही मतलब है कि आप तभी काम कर सकते हैं, किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए आप लोग, तभी वहां अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जब उसके बारे में पहले से आपको कुछ जानकारी उपलब्ध हो। तीसरी बात यह है कि आजादी, समानता और धर्म निरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। परिवार, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यवसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभाव का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से विभिन्न भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हों या अलग धर्म के हों अथवा अलग लिंग वर्ग के हों। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं। यदि उसमें विलंब होता है तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेष अधिकार उत्पन्न है तो हमें सम्मान के लिए संघर्ष कर अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारी नौकरी उसे व्यवहार की योग्य है जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं। एक और अच्छी बात आपकी सरकारों ने किया, मुझे तो अच्छा लगा है, आप लोग बताइएगा आपको कैसा। ये जो कूड़ा करकट लेने वाली गाड़ियां आती हैं ये बहुत बढ़िया काम करती हैं, आपके गेट पर ही आएंगी आपको डालने के लिए भी, बस घर से निकलना होगा। और गीला कचरा अलग कर रही हैं, सूखा कचरा अलग कर रही हैं। और गीले कचरे का ये लोग क्या करते हैं कि या तो रासायनिक खाद बनाते हैं, देसी खाद जिसे बोल देते हैं, या बिजली उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, अच्छा भी काम है, तारीफ करने लायक काम। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें स्वायत्त कम होता है, घोटपत्त नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। और जब कोई मनुष्य घायल होता है तब उसके मनुष्यत्व कम होगा निसंदेह, और वह मनुष्यत्व न्याय है निश्चित रूप से। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है, हाँ परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को न्यायपूर्ण बना सकता है? बिल्कुल न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण बिल्कुल नहीं। एक बात और आपको बताऊं कि आप लोग ऐसे लास्ट में पढ़ सकते हैं, ऐसा करिए, या तो छोड़ के आप लोग लास्ट में पढ़ लीजिए या पहले, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और हमारी अपनी राय होती है, तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, पर हम नहीं जानते कि तर्कसंगत है या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तभी
तभी हमें अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं और इसलिए तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्कसंगत ढंग से हम बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कुशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। आप देखेंगे इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आ रहा हो। क्या ना आ रहा हो? ना आ रहा हो। या सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है? निश्चित रूप से। तम्बित या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकड़ा तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है। तब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने और अच्छे वे गुण जो मित्रों को चुकाने हैं और बुरे वे जो शत्रुओं को चुकाने हैं, यह कहना समझदारी नहीं है, क्या यह सत्य नहीं है? जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है कि किसी को भी चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। पोलिमार्कस ने कहा है कि मैं तुमसे सहमत हूँ। इन दोनों के बीच की ये वार्ता है। ये आपके क्वेश्चन दिए गए इसी चैप्टर से संबंधित, इन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बहुत अच्छे चैप्टर हैं, बड़ा मजा आएगा। आप लोग कहते थे ना कि विज्ञान में मजा नहीं आता है। देखिए, विज्ञान में तभी मजा आ सकता है मुझे लगता है कि जब हमारे सामने प्रयोगशाला हो। समझ रहे हैं आप लोग? अब हमारे सामने कुछ प्रयोगशाला नहीं है इसलिए बोरिंग लगती है हमें विज्ञान, लेकिन क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था, हमें पढ़ना भी तो था। ठीक है, तो चलिए आगे मिलते हैं हम लोग दूसरे अध्याय में। आपका दूसरा अध्याय होगा स्वतंत्रता, और ये वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है, उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो इस दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, और खासतौर पर भारत में। ठीक है।